नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की कहानी। जी, जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा आपको भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुना दी जाए। तो उसका एक पार्ट हम करेंगे और एक पार्ट में उनकी हद तक सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के ईश्वर एवं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। पौराणिक काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या कृष्ण लीला बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कई कहानियाँ हैं और हम सभी के लिए वो कहानियाँ एक ज्ञान का भंडार हैं। कृष्ण की मज़ेदार कहानियों से बच्चे तो खुश होते हैं और सकारात्मक चीज़ें भी सीखते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनकी शरारतों की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और अद्भुत है। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। आज इस लेख में हमने बिल्कुल सरल और आसान भाषा में भगवान श्री कृष्ण की कहानी को प्रस्तुत किया है। एक बार मथुरा का राजा कंस, जो देवकी का भाई था, वह अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में एक अचानक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बताया कि तुम्हारी बहन अर्थात जिसको तुम खुशी खुशी उसको ससुराल लेकर जा रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस डर गया, परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी उसने सोचा कि उस वासुदेव जो देवकी के पति थे उन्हें जान से मार देंगे। तब देवकी ने कंस से विनती की और कहा कि मैं स्वयं अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे जो जीजा हैं, बिल्कुल बेकसूर हैं और उनको मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को मथुरा के जेल में, मतलब कि कारागार में डाल दिया। जेल में कुछ ही समय बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति हुई। जैसे ही इस बात की सूचना कंस को पता चली तो कारागार में आकर उस बच्चे को मार डाला। उसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार दिया। सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये सच है। ये कहानी का एक कहानी है, उसमें ये बताया गया है कि कंस ने कैसे अपने बहन के बच्चों को, 7 बच्चों को मार डाला। और जब 8वीं की बारी आई तो कारागार में पहरा दुगना कर दिया। कारागार में, जेल में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए गए, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई और हर किसी को हिदायत दी गई कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। यशोदा और नंद ने और वासुदेव की समस्या को देखकर उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोच लिया। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन ये सिर्फ एक मायावी चाल थी। जी, आगे सुनाता हूँ आगे क्या हुआ। 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें प्रकाश हुआ। हाथ में गदा शंख धारण किए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए। देवकी और वासुदेव उनके चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान ने कहा कि मैं बच्चे का रूप पुनः ले लेता हूँ, तुम मुझे लेकर अपने मित्र नंद के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर दो। मुझे ज्ञात है कि इस समय यहाँ वातावरण ठीक नहीं है और फिर भी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जाते समय जेल के सारे पहरेदार सो जाएंगे, जेल का फाटक स्वयं खुल जाएगा, जल से उफनाती हुई यमुना रास्ता देगी और भारी वर्षा से नाग तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उफनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुँचे। बच्चे को सुलाकर उनकी पुत्री को वापस लेकर जेल में आ गए। वापस पहुंचने के बाद फाटक स्वयं बंद हो गया। जैसे ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है,
वह तुरंत जेल में आ गया। कंस ने जैसे ही उसके छीन कर पटक कर मारने की कोशिश की तो बच्ची तुरंत हवा में उड़ गई और बोली, हे दुष्प्राणी, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा, तेरा वध करने वाला वृंदावन जा पहुंचा है। इतना बोलकर वो गायब हो गई। कंस बहुत भयभीत हुआ, मतलब कि डर गया, क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से भी बच गया। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा, वो पागल हो गया कि वो क्या करे। तब उसने सोचा कि पूतना नामक राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दूंगा। तो उसने पूतना को मारने के लिए भेज दिया। पूतना एक राक्षसी थी, लेकिन पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण को अपने जहरीले स्तन से दूध पिलाने के लिए वृंदावन गई। श्री कृष्ण ने दूध पीते समय पूतना के स्तन को काट लिया। काटते ही पूतना अपने असली रूप में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की सूचना कंस को मिली तो वो उदास और चिंतित हो गए और परेशान हो गए, क्या करें। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अब वो सब पर इतना गुस्सा कर रहे थे कि एक बच्चे को तुम संभाल नहीं सके, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। ये समझ लो कि वो इस समय बिल्कुल पागल हो चुका था। कुछ समय बाद ही उसने एक दूसरे राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वो राक्षस बगुले का रूप लेकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा, लेकिन तुरंत ही श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर फेंक दिया, जिसके बाद वह राक्षस सीधे नरक में जा गिरा। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। उसके बाद कंस ने कालिया नाग को भेजा, तब श्री कृष्ण ने उससे लड़ाई की और बाद में वो नाग के सर पर बांसुरी बजाते हुए नृत्य करने लगे। तत्पश्चात वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कंस के अनेकों राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस को लगा कि अब राक्षसों से ये नहीं हो पाएगा, तब कंस खुद ही कृष्ण को मारने के लिए निकल पड़े। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में क्या होना था आप लोगों को पता ही है। इतना बड़ा युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और उनका वध कर दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी श्री कृष्ण की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कृपया इसे शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इस कहानी के बारे में और जानना है तो देखते रहिए मेरा चैनल, मैं आपको और भी कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो आज के लिए नमस्कार और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।